हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सीए डे टू ऑल सीए एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दोस्तों जिस दिन ये कोर्स को सिलेक्ट किया था उसी दिन आधी जंग तो जीत ली थी, क्योंकि ये कोर्स में आने का करेज भी बहुत कम लोगों में होता है। तो अगर आप हो, अगर हम इस कोर्स में है, इसका मतलब सर कुछ तो अलग बात है। हमें आज का ये स्पेशल वीडियो सीए डे के दिन में उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट आने वाला है नवम्बर 2023 में। बहुत सारे सवाल है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है सर कि लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड स्कीम में तो क्या पेपर डिफिकल्ट निकलेगा, क्योंकि हमने देखा है 30% के करीब अगर रिजल्ट लगता है तो उन 70% बच्चों का क्या, और कहीं ना कहीं यही डर होता है। दोस्तों बहुत सारी बातें करने वाला हूं। सबसे पहले तो ये बात कि आप लोगों को अगर किसी वॉर में कि लड़ने जाना है, कोई वॉर में अगर आप जा रहे हो, तो सबसे बेसिक रूल ये होता है कि अपने एनिमी को समझो, उसके मूवमेंट को समझो, वो क्या चाल चल रहा है उसको समझो, ताकि आपके हारने के चांसेस कम हो जाए या ना के बराबर रहे। लेकिन हमारे सीए फील्ड में बहुत कम बात ऐसी होती है, क्योंकि बच्चे पढ़ने बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ने लगते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, क्योंकि वो सीए कर रहे हैं भाई। और ये सीए वर्ड छोटा सा वर्ड लेकिन बहुत ज्यादा वेट है इसका इस सर पे, क्योंकि सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एनपीओ जो शायद 12th में आ रहा था लेकिन सीए में डिफिकल्ट हो जाता है। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स का जो 12th में बहुत बच्चों ने किया रहेगा तो सिंपल लग रहा था, लेकिन क्योंकि फाउंडेशन है तो ऐसे लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, हमने खुद मतलब जो अभी मेरे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चे, चार एक चैप्टर किए और उन्हीं बेसिस पे ये जून 2023 का मतलब अपने एनिमी मतलब सर हमारी सीए इंस्टीट्यूट मदर बोर्ड है, राइट, मदर इंस्टीट्यूट है, मतलब उस पर ही हमारी रोजी रोटी है। सिंपल सी बात है, एनिमी क्यों बोल रहे हैं? यस, जब तक आप पास नहीं होते तब तक तो ये जंग चलने वाली है। आईसीआई ट्राई करेगा, क्योंकि उसे 100% रिजल्ट नहीं लगवाना, तो ट्राई करेगा कि बच्चे कहीं ना कहीं गलतियां करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। लेकिन स्मार्ट बच्चे तो डेफिनेटली फेल नहीं हो रहे फाउंडेशन लेवल पे, आगे का तो सर बाद में देखेंगे फिलहाल। लेकिन सर फाउंडेशन पे इस बार का मैं अगर पेपर का एनालिसिस करूं, अकाउंट्स की बात करूं, कि अकाउंट्स और लॉ ये राइटिंग पेपर है, मैथ्स इकोनॉमिक्स ये MCQs पेपर है, और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, और मैथ्स की भी हर एक पॉइंट पे मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, और इससे डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और टू द पॉइंट फैक्चुअल बात करूंगा। ऐसे नहीं कि इमेजिनरी मोटिवेशनल देने के लिए भाई कुछ भी बोल बैठ कर दिया, नहीं। इस बार जून 2023 का अटेम्प्ट हुआ, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, जून का अटेम्प्ट हुआ। अकाउंट्स का पेपर आप ले लो, पेपर अवेलेबल होता है या फिर अभी अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पे या वेबसाइट पे आ ही जाएगा या आ गया होगा अब तक। आप देखिए, अपना मॉड्यूल निकालिए और ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप लोग 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते थे? डेफिनेटली कर सकते थे। कंपनी अकाउंट्स 15 मार्क्स के लिए, एनपीओ 15 मार्क्स के लिए सर करीब करीब 30 मार्क्स। ये पहला जो 20 मार्क का सवाल आता है बिल्कुल ही सिंपल था, अगर जो बच्चा सीरियसली पढ़ के गया हो, जिसने स्ट्रैटेजी से पढ़ा है, क्योंकि सब कवर करना पॉसिबल नहीं था, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कवर किए होते उसी के हिसाब से पेपर बना है। एवरेज ड्यू डेट का एज इट इज सम आ गया। BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सर बहुत ही सिंपल मैनेजेबल क्वेश्चन था, आराम से आप उसे टैकल कर सकते थे। BOE का भी एक अगर छोड़ दी लास्ट का वो एंट्री तो भी मैंने मतलब 61 मार्क्स का ऐसा पेपर जो बच्चा सीरियसली पढ़ के जा रहा है उसको तो ऐसे भी आ रहा था। और पेपर एक्चुअली 80 मार्क्स तक आराम से कवर हो जाता है, क्योंकि हमें आदत होती है 12वीं तक कि हम 3 घंटों में 80 मार्क का पेपर दे दो, यहाँ पे फाउंडेशन में हम 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में लिखने का ट्राई करते हैं, जो होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट प्रैक्टिस से वो भी हो जाता है। लेकिन चलो मान लेते हैं सर 80 मार्क का पेपर कंप्लीट कर रहे हो ना एक्यूरेसी के साथ, तो भी दोस्तों कहीं ना कहीं 60 मार्क्स तो किधर भी नहीं गए। अकाउंट डेफिनेटली मैनेजेबल होगा, इवन नवंबर दिसंबर में जो अटेम्प्ट आएगा 2023 वहां पे भी। आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ए कैटेगरी के चैप्टर, उन्हें अच्छे से करना। लॉ 60 मार्क्स का लॉ है सर, उसमें से इस बार हमने एनालिसिस किया कि 16 मार्क्स के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, करीब करीब 22 मार्क्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, 5 मार्क्स के लिए LLP आया, ठीक है, उसके बाद 10 से 14 मार्क्स के लिए कंपनी अकाउंट आया और 16 एक मार्क्स के लिए पार्टनरशिप भी आया। टोटल 5 ही एक्ट है हमें, राइट, इस सिलेबस में। अब जरा आप गौर से देखोगे 60 मार्क्स के पेपर में, विद ऑप्शन वो थोड़ा 70+ जाता है, अगर मैं 60 मार्क्स के पेपर हो, करीब करीब 32-33 मार्क्स के केस स्टडी आए थे। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमको ना रटना है क्या इतना, ऐसे नहीं बेटा, मतलब 50% मतलब 60 मार्क्स में के मैं 30 मार्क्स पकड़ू, 30-32 उतना तो ऐसा पेपर बन रहा है कि आप अगर वो स्ट्रक्चर समझ लो कि केस स्टडी का आंसर कैसे देना है उसमें। तो हमने अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा चल रहा है, हमने देखा कि यूनिट 1 का मॉड्यूल के नीचे का एज इट इज क्वेश्चन आ गया है भाई, और क्या चाहिए आगे, तो अभी हमारा एनालिसिस बाकी है।
सेम वही होगा, करीब करीब 15-20-25 मार्क के क्वेश्चन अगर आईसीएआई बोल रही है कि मॉड्यूल के नीचे के ही तू ले ले भाई, उसी से रिलेटेड ले ले, कंसेप्ट भी वही है, तो मालिक आप लोग अननेसेसरी टेंशन मत लो। मालिक देखो ये ना एक बिजनेस है, सिंपल सी बात है, आप जहां पे भी आप, क्योंकि ना आप जैसे ही इस मार्केट में आते हो सबसे बड़ी बात है उलझन बहुत है सर। यूट्यूब पे हजारों टीचर्स है, हजारों आजकल प्रॉब्लम है कि ज्ञान फ्री में अवेलेबल है और बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना, मतलब जो ज्ञान की जरूरत नहीं वो वाला ज्ञान बोल रहा हूँ। फोकट में सर पढ़ना तो आपको है, लेकिन यहाँ पे आके, और मैं जो बोल रहा हूँ अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, मैं बता रहा हूँ कि क्या चीजें हो रही है। तो बच्चा जब जस्ट 10 ऑप्शन देखता है ना टीचर के, तो उसे इस टीचर की भी नोट्स करनी है, उसे उन सर की भी नोट्स करनी है, अरे ये सर वो निकाल के दे रहे। भाई मेरे भाई और बहनों, में हमेशा कहता हूँ लॉ में एक चीज फॉलो कर लो, आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मॉड्यूल अच्छे से करो हाँ, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आंसर कौन से करने हैं, आरटीपी एमटीपी। मैं खुद कहता हूँ कि एक मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, और कौन से बुक से क्या होता है सर, उसमें आपका रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आईसीआई के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इतने भी आपने थरोली कर लिए ना, 60 मार्क्स में से मैं आपको लिख के देता हूं 40 के ऊपर तो एज इट इज वही आने वाला, और बाकी का 20 तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगा जो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो लॉ के लिए डरो मत। बीसीआर सर बेसिक इंग्लिश, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन 10 मार्क का चैप्टर है और 30 मार्क में आपको लड़ना है, और 20 एक तो आ ही जाते हैं उसमें से, तो 80 मार्क्स अगेन मैनेजेबल है बिना डरे किया, स्ट्रैटेजी के साथ किया। तो राइटिंग के लिए डर, और ये दोनों पेपर हो ना, मेरा मत सुनो, आप पेपर लो, एनालिसिस करो, जिसकी जितनी भी पढ़ाई हुई है, तो सीए फाउंडेशन के नवंबर या दिसंबर 2023 में जो अटेम्प्ट आने वाला है वो भी पेपर मोर और लेस ऐसा ही बनेगा। आपको अगर इस लेवल पे अभी वो पेपर इजी लग रहे तो आगे जाके आप डेफिनेटली अच्छा ही करोगे। मैथ्स की अगर बात करूं, बहुत सारे ना वेबसाइट पे मैथ्स का पेपर वैसे तो बाहर आता नहीं, लेकिन इस बार का पेपर ना कुछ बच्चों ने शायद से फोटो निकाल ली, वो आ गया है, जरा देखना, बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, और बच्चा घर पे जब लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहा होगा ना, वो लेक्चर देखता है, वाह वाह मजा आ रहा है सर, सर क्या भारी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, मजा आ गया। 5-10 मिनट में, और टीचर तो बट ऑब्वियस फर्स्ट टाइम आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता तो उन्हें पढ़ाना पड़ता है, बहुत बच्चे 11th 12th एसपी लिए होते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें समझाना तो पड़ता ही है कि भाई इतने डिटेल में धीरे से जाएंगे, तो 10 मिनट में एक आधा क्वेश्चन पढ़ाते हैं सर वहां पे आप लोग, और बाद में आपका प्रैक्टिस हो नहीं रहा है सर, और एग्जाम में भी 3 मिनट लग जा रहे हैं आपको एक क्वेश्चन करने में। सर जब 120 मिनट खत्म हो रहे हैं ना, इस बार भी मैंने पूछा एवरेज 50-55 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं बच्चों के, तो स्ट्रैटेजी अभी से बनाओ। सर लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 70-80 मार्क्स की पढ़ाई में, वापस बोल रहा हूं, जिथ शक्ति नाही चालत तिथ युक्ति ने काम करावा, छत्रपति शिवरायांचं वाक्य है ना। सो आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही पड़ेगी सर, गरिमी कावा से जाना ही पड़ेगा, आईसीआई को समझना ही पड़ेगा, तो ही मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आप आराम से अपनी नैया पार करा सकते हो। और इकोनॉमिक्स की बात ही क्या है सर, इकोनॉमिक्स तो मैं तो आपको कह रहा हूँ 5 चैप्टर है, दूसरा चैप्टर अच्छे से करो, पहला और पांचवें चैप्टर में ऐसे भी दम नहीं है, और तीसरा और चौथा चैप्टर आपको जब तक जितना समझ रहा है डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, और बीसी के जब तक है जान उसका रोज थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ते रहने का, ऐसे भी ज्यादा कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है, उसको जितना रिविजन उतना रिकॉल होगा, याद रहेगा, सिंपल सी बात है, तो इको में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैथ्स आपको स्ट्रैटेजी से डील करना है, पैटर्न्स टीचर्स ने ऑलरेडी दिए हुए हैं कि वेटेज पता है आपको, उस हिसाब से जाइए। अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आप सीए में फेल भी हो सकते हो, टारगेट कीजिए कि आपका 300 के करीब स्कोर हो जाए 400 में से, ये आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। सर फेलियर का सोचो ही मत, हमारी शुरुआत ही ऐसी होती है सर, 200 लाना है सर हमको, और सर फेल हो गए तो फेल का तो ऑप्शन रखो ही मत ना, 12th में कभी सोचा था फेल हो गए, नहीं सर हम तो यही सोचते थे कि पास तो हो गए भाई, सिर्फ 80 के ऊपर लाने, तो पास हो गए यहां पे मतलब सोच ही नीचे से चालू हो रहा है, अपनी सोच बड़ी करो सर, काम भी अच्छे हो जाएंगे। सीए डे के दिन एक शपथ ले लो, आईसीआई फेल करे ना करे वो उसकी बात है, लेकिन हम दिमाग में रोज फेल नहीं हो गए, हम कोर्स कर रहे हैं, दुनिया इधर की इधर हो जाए सर, हमने हमें इतने गट्स है कि अब तक अगर फेल नहीं हुए 12th तक तो आगे भी नहीं हो गए। आईसीआई दुनिया का डिफिकल्ट पेपर निकाले, 3-4 महीने सर शिद्दत से पढ़ेंगे, फाड़ के आएंगे, समझ में आया। तो डरो मत दोस्तों, डराना है अभी आपको, है ना, वो दिन गए कि जब बच्चे रो रो के चीजें करते थे, लेकिन अब आईसीआई भी चेंज हो रहा है, वो भी चाहते हैं कि आप लोग आगे आओ, सीए कम्युनिटी स्ट्रांग हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स बने, तो वो आपको फेल नहीं करेगी, बकायदा आप अपने आप को खुद फेल मत करो। और महाभारत का एक शकुनी का एक डायलॉग है ना,
युद्ध रणभूमि में नहीं हारते, मनोभूमि में हारते हैं। कि मन में अगर हार जाओगे तो रणभूमि में जीत नहीं पाओगे, तो वो हमेशा याद रखना। आपको हमेशा यही सोचना है कि सर हम मेहनत करेंगे तो पास जरूर हो। इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ दोस्तों। बिल्कुल आसान है, आप अगर पढ़ रहे हो तो पास होना, और फाउंडेशन लेवल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलो यही पे रुकता हूँ भाई, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।